नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज यानी 19 मार्च को राज्यसभा सचिवालय में शपथ ली। सीपीवीएनएस के निर्देशन में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर फोर्स के साथ निकाली गई रैली। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए रुख करते हैं तमाम सुर्खियों पर। व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार बने रूस के राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, 50 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। अफजल अंसारी ने कहा पाकिस्तानी कंपनी ने दिया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर, मां लक्ष्मी पर की थी अभद्र टिप्पणी। अभिनेत्री कंगना रनौत लड़ सकती है चुनाव, बीजेपी दे सकती है टिकट। सावरकर के रोल के लिए रणदीप हुडा ने बहाया पसीना, ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान। तो ये रही अब तक की सुर्खियां, आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दूसरी बार राज्यसभा सचिवालय में ली शपथ। जनवरी में संजय सिंह को उनकी पार्टी ने दोबारा से राज्यसभा के लिए नामित किया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से उनकी शपथ टल रही थी। संजय सिंह अभी जेल में हैं और कोर्ट की परमिशन लेकर आज शपथ लेने पहुंचे थे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर फोर्स के साथ निकाली गई रैली। आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं कानून शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक लंका द्वारा थाना क्षेत्र में फोर्स के साथ रैली निकाली गई। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।